ओ सावरे ओ प्राण प्यारे, ओ सावरे ओ प्राण प्यारे, सामने कब आओगे, कब हो कब तक यूं ही तड़ पाओगे, ब्याह हुआ उस माधवी के साथ, तो माँ ने समझा के भेजा कि देख वृंदावन में शादी तो कर रही हूं, लेकिन कहीं नंद के लाला के चक्कर में मत पड़ जाना, कुछ भी हो उससे नजरें मत मिलाना। माधवी सखी ने ये बात अपने हृदय में धारण कर ली। अब जब कृष्ण का सखा ब्याह करके वापिस आया वृंदावन, तो कन्हैया मार्ग में ही मिल गए। बोले प्यारे भाभी आ गई? हाँ आ गई। अरे कहाँ है, जरा मोड़ा तो दिखावा। अरे पीछे बैठी है, जाकर देख ले। माधवी से कहने लगी, देखो नंद के लाला आए हैं तुम्हारा मुख देखने के लिए। मीरा को अपनी माँ की समझाई बात याद आ गई। उसने नंद के लाला का नाम सुनते ही घूंघट और बड़ा कर लिया। कन्हैया गए, कहने लगे भाभी जरा मुख तो दिखा दो। मीरा जी ने घूंघट नहीं उठाया। फिर प्रार्थना की, क्या एक बार अपना मुख नहीं दिखाओगी? मीरा जी ने मना कर दिया। बहुत देर तक मनोहार करते रहे ठाकुर, लेकिन उन्होंने घूंघट नहीं उठाया। बल्कि नंद के लाला का नाम सुनते ही अपने पल्लू से पैर का अंगूठा भी ढक लिया कि कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए। इतनी मिन्नत करने के बाद जब वो नहीं मानी, तो ठाकुर ने कह दिया, जा आज तूने अपना मुख दिखाने के लिए तरसाया है मुझे, अगले जन्म में तू बन बन भटकेगी मेरा मुख देखने के लिए, लेकिन तुझे मेरा मिलना नहीं होगा। वही माधवी सखी अगले जन्म में मीरा के रूप में आई। लेकिन मीरा के गिरधर गोपाल क्यों कहा जाता है? वो माधवी सखी इस
बात को सुनकर थोड़ा घबरा तो गई, लेकिन उतना नहीं। लेकिन आखिर गोकुल में जब इंद्र का प्रकोप हुआ, बरसात हुई, तो सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे गए। इतनी घनघोर बारिश में अब वो माधवी सखी भी वहीं थी, वो भी दौड़ी दौड़ी अपनी जान बचाने के लिए उस गिरिराज पर्वत के नीचे गई। और जाते ही तब उसे कोई घूंघट याद नहीं रहा, तब उसे कोई माई की बात याद नहीं रही, केवल वहां पर एक ही जय घोष हो रही थी, बोलो गिरिधारी गोपाल की जय हो। ये नाम सुनते ही सब ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं, देखो उस नंद के लाला ने, उस गिरधर गोपाल ने इस नख पर, इस गिरिराज पर्वत को उठाकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। माधवी की सखी की नजर अभी गोविंद के मुख पर नहीं पड़ी, केवल उंगली पर पड़ी, तो वो इतनी मोहित हो गई, बोले इसके लिए मेरी मैया ने मना किया था, आज माथा पकड़ के रोने लगी कि मुझसे ये क्या गलती हो गई, जाकर ठाकुर के पांव में पड़ गई। और वही माधवी सखी इस कलयुग में मीरा का रूप लेकर आई, बन बन भटकती रही उस ठाकुर के लिए, ओ सांवरे ओ प्राण प्यारे, ओ सांवरे Oh,
Oh,
मेरे साथ गई। भाव से आंचल में तेरे मैं युगों छिपती रही, भाव से आंचल में तेरे मैं युगों छिपती रही। आज मां आवाज जरूर आती है, देख लो आवाज दे। वो तो मीरा है जो बन बन भटकी है, आज हमारे में इंतजार कहाँ है। आज हम ठाकुर को नहीं बुलाते, आज हमें बिहारी जी की जरूरत नहीं है। जाते जरूर हैं अपने पन का नाटक करने, अपना एक रिश्ता जोड़ने, लेकिन जितना कहते हैं उतना निभाते नहीं है। फिर भी मेरा ठाकुर कहता है कोई बात नहीं प्यारे, तेरे लिए देख लो आवाज दे। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम आओ तो सही, पर एक वादा करो कि मिलकर कभी ना बिछड़ोगे, मैं तेरे सब नाज उठा लूंगा, तुम आओ तो सही। वो आज भी बिहारी जी के मंदिर में घंटों खड़े रहते हैं। अभी आई तो बात चल रही थी कि मुझे ठाकुर नहीं मिला, अरे कहां नहीं मिला, श्रीनाथ जी चले जाओ, डेढ़ डेढ़ घंटे के दर्शन होते हैं, 15-15 मिनट के होते हैं, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मेरे बिहारी जी सुबह से लेकर शाम तक एक पैर पे खड़े रहते हैं। यहाँ मीरा का दर्द नहीं है, लेकिन
खड़े खड़े देख लो आवाज दे पास अपने शाम मेरो से वृंदावन धाम तो वो लाडली अटारी पे खड़ी कहती है दूर रह कर भी तुमी मन रहती है अपनी नजर उसकी ओर ध्यान नहीं देते ना बेवफाई बालक को गोद में उठाकर अपने रिश्तों को साथ गाड़ी में बिठाकर ऐसे चल देते हैं और फिर महीनों बीत जाते हैं श्री जी की तरफ देखते ही नहीं Oh,
हर समय अटारी से खड़ी यही कहती है कि दूर रहकर भी तुम्ही पर रहती है मेरी नजर, बाहों में हम थाम लेंगे जब भी ठोकर खाओगे, देख लो आवाज देकर तुम पास अपने पाओ। अगर देना किशोरी जो मुझे इतनी दुआ देना, मरूं महलों की चौखट पे मुझे इतना सिला देना। अगर देना किशोरी सब मेरे साथ चले अटारी पर और साथ साथ है। अगर देना किशोरी दो मुझे इतनी दुआ देना, माइक वाले अगर देना किशोरी जो, ऐसे ही मीठा मीठा गाए सब मेरे साथ। चाहे आपकी ऐसी भावना है या नहीं है, पर झूठे से ही मेरे साथ गाओ। ऊंचे स्वर में किशोरी जी की अटारी तक आवाज पहुंचनी चाहिए।
अगर देना किशोरी जो लगाने के लिए आप पलकें उठाएंगे हरिदासी को महलों
करते ना किशोरी जू श्री जी। अंत में हरिदास जी क्या कह रहे हैं, ये तो मेरे मन की भावना है, मन की इच्छा है, लेकिन लाडली भिखारी हूं मैं जन्मों से, मेरा तो काम है कहना भिखारी हूं मैं जन्मों से, मेरा तो काम है कहना। मांगने की आदत पड़ी है, कभी संसार से सुख, संसार से उम्मीद, मांगते 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 किसी संत की कृपा से स्वर्ग जैसे द्वारे पर पहुंच गए, लाडली जी की शरण में पहुंच गए, तब भी मांगने से बाज नहीं आए। मेरा तो स्वभाव है, जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है कि मैं मांगता ही रहूंगा, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। बड़े बड़े संत जिन्होंने अपना हृदय, अपना जीवन, सब कुछ न्योछावर कर दिया, मेरे पास तो वो भी नहीं है। इसलिए लाडली भिखारी हूं मैं जन्मों से, मेरा तो तेरे मन को भाए तू वो करना। पायल की तरह तेरे पैरों में बजता रहूं, कभी इस पग में कभी उस पग में, शामा जू मैं सजता रहूं, जो मैं पत्थर बनूं भक्तों के पांव को छूता रहूं। पता नहीं कितने रसिक जन आएंगे, पत्थर बना कहीं तो पड़ा रहूंगा, और कभी ठोकर लगे तो सरकता हुआ, कभी ठोकर लगे तो सरकता हुआ, तेरे चरणों में सजदा करूं, पायल की तरह किशोरी जी तेरे पांव में सजता रहूं, भिखारी करना।
ऐसा बनाना प्यारी जू कि वो मत करना जो मुझे अच्छा लगे, तुम वो करना जो मेरे लिए अच्छा हो। रहूं राजी रजा में मैं, रहूं राजी रजा में मैं, मुझे ऐसी अदा सबकी आवाज नहीं निकल रही। भिखारी हूं मैं जन्मों का, मेरा तो काम है कहना। जो तेरी मर्जी हो प्यारी, मेरा वो फैसला करना। चाहे आईना बना, चाहे मोर बना, चाहे पायल बना, बिछुए बना, मेहंदी बना, कुछ भी बना, लेकिन ओ मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरण च रखियो। मैं पीछे
देख रही, लेकिन मेरे श्री जी तुम सबको देख रही। मैं आज खुद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हूँ। प्यारे दोनों हाथ उठाकर मेरी लाडली जी देख रही हैं कि कौन चाहता है। हो मेरी राधा रानी सरकार मैं चरण रखियो, मेरी राधा रानी सरकार मैं चरण रखियो। हो कति आवे ना अहंकार है, कति आवे ना अहंकार मैं चरण रखियो। राधा रानी सरकार मैं चरण रखियो।
सरेंडर करते हैं ना खुद को, वो हाथ आधे नहीं उठाते, पूरे हाथ उठा के कहते हैं मैं पहला फंस चुकिया कई बार, पहला फंस चुकिया कई बार, हूं चरण च रखियो लाडो
किया जो तेरे चरण कमल की चेरी कुंज द्वार पर प्यारी ठाड़ी कब करो अहो लड़े ती इतनी मुँह पे अहो लड़े ती इतनी मुँह पे कृपा करो भली जाऊं जागत सोवत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं राधा राधा इतनी बापे कृपा करो बलि जाऊं जागत सोवत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं ये जिए रसना श्वास श्वास प्रति रोम रोम रट लाऊं और जो लो नाम सांस तब ही लो एक मेक हो जाऊं जान परे नहीं सांझ सवेरो ऐसे जन्म गवाऊं श्री हित बेगी घरो भोरी पे उलसी उलसी जस गाऊं अभी कृपा करो मेरी श्यामा तेरे चरण कमल हूं लपटानी नित्य विहार निरंतर देखूं सुनत रहूंगी रति ब्रज बानी Yeah.
पुलियो ना सरकार मैनु छड़ियो ना विचकार मैं तेरी नौकर हां सरकार सियो ना सरकार चरणा च रखियो मैं तो सियो ना सरकार चरणा च रखियो हो नहीं ओड़ा तू जीवा है असा नहीं ओड़ा तू जीवा मैं चरणा च रखियो मैं तेरी नौकर हां सरकार चरणा च रखियो मैनू भुलियो ना सरकार मैनू चरणा च रखियो मैनू चरणा च रखियो मैनू चरणा च रखियो चरणा च रखियो मैनू चरणा च रखियो यही प्रार्थना बनी रहे श्री जी से दूरी का कारण केवल मेरा अहंकार है इसलिए औकात याद रहे कि मैं तेरी नौकर हां सरकार मैं तेरी नौकर हां सरकार मैनु चरणा च रखियो औकात याद रखोगे फिर कदी आवे ना अहंकार मैनु चरणा च रखियो तेरी मेरी दूरी का कारण जब भी बनेगा ये अहंकार ही बनेगा इसीलिए कुट के फड़ियो पतवार चाहे मैं भागना चाहूं पर तू मत छोड़ना इसी के साथ संकीर्तन विश्राम उससे पहले सभी मेरे साथ श्री जी से प्रार्थना करें हो राधे किशोरी कृपा करो तुला
सादीन नहीं कोई जग में, हम सादीन नहीं कोई जग में, हम सादीन नहीं कोई जग में, हम सादीन नहीं कोई जग में। ओ नजर दया की तनिक धरो, नजर दया की तनिक धरो, कृपा की दृष्टि तनिक से ही है। जब श्री जी के नाम से दो अश्रु बहले
तो समझ लेना कि राधा रानी आ गई, इसलिए दोनों हाथ उठा गए। विषम विषय विष ज्वाल भाल में